चार चार लगे हुए, पांच पांच है, दो तीन पांच है, एक एक सिर्फ दिखाई देखो, एक दो सिक्स छ, क्या बात है, इनका मेला लग गया इकट्ठे, हाँ छ है, एक बस ये देखो इस कोने में हल्का सा दिख रहे हैं, ये देखो ये देखो ए ए ए ए पांच येलो एक ऑरेंज। कुंजा में देखो जोर शोर से काम लगा हुआ है, इतने जेसीबी पहली बार देख रहा हूँ एक साथ लगे हुए हैं, किसी गाड़ी का व्हील कप है ये, कौन सी गाड़ी का होगा ये व्हील कप, कहीं गिर गया होगा और इन्होंने अपना सजा लिया, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। अब बताओ ये किस गाड़ी का होगा, शांत हो गया सब, काफी चौड़ा करते जा रहे हैं सड़क को ना, अभी है अगर ये नीचे तक पाथल तक इतना चौड़ा हो गया तब तो ये तो डबल लेन बन जाएगा, कोई बात नहीं उससे आगे सिंगल ही है ना, नहीं नहीं वो तो वक्त लगेगा ना, वो यहाँ पर कितना टाइट कंजेस्टेड होता था, पत्थरों का ग्लेशियर आया हुआ है। जिस हिसाब से ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है ये तो कुछ ही टाइम में इन्होंने पूरा एरिया भी रोड चौड़ा कर देना, देखो अरे धमाल गेट बन गया, सलामी दे रहा है भाई, जेसीबी के नीचे से गुजर रहे हम, देखो यहाँ पे चौड़ा किया, सड़क देखो कितना चौड़ा कर दिया, पहले ये काफी कंजेस्टेड होता था, लोसर तक काफी फास्ट ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है और आने वाले दिनों में ये भी मेटल हो गया तो डबल लेन हो जाएगा, डबल लेन पूरे स्पीति में सड़क चौड़ा करने का काम चला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पूरे हिमाचल के जेसीबी यहाँ पहुंच चुके हैं, हर जगह दो दो तीन तीन चार चार छह छह जेसीबी एक साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी लगे हैं, मतलब जल्दी ही स्पीति आपका डबल लेन बन जाएगा, कितने ट्रैफिक जाम कर दिए उन्होंने तो, आप इनके सींगों से डर लगता है, शाबाश। स्पीति की सुबह है आज, काजा में न्यू सर्किट हाउस में रुका हूँ मैं, अब अगले चार पांच दिन यहीं स्टे रहेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी भी मैं वापस जा सकता हूँ, दैट डिपेंड्स, धूप निकल आई है, सामने तिरंगा कितना अच्छा लग रहा है यार, बिल्कुल पहाड़ी पे, इतना ऊपर जाकर बनाना भी आसान नहीं है, हो गया ठीक है, चाय बोला था चाय।